देखिएगा इस तरीके से पेंट हुआ है यहाँ पे। ये बेड का कलर है कुछ इस तरीके से। चारों तरफ का ये है कुछ नज़ारा, देख लीजिए। ये चल रहा है हमारे पेंट का। हम अपलोड करना है बोले। अच्छा आप ये बताइए पेंटर साहब, आपने भाई अपने साथ कोई आदमी को नहीं रखा? साहब, आदमी लगाने में ऐसा होता है कि वहाँ पर दोबारा मुझे फिर दोबारा काम करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने आदमी नहीं लगाया। अच्छा, मतलब हाँ सफाई अगर हाँ उन्होंने नहीं काम करी तो आपको पसंद नहीं आता काम? नहीं आता है मुझे पसंद, फिर दोबारा जाना ही पड़ता है मेरे को। तो काम पर दोबारा हाँ, जाना पड़ जाए तो इससे अच्छा खुद ही करना पड़ता खुद है ही ना। करना पड़ेगा। सही हाँ बात, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो अगर जो काम दिल को सेटिस्फाई ना कर पाए तो उस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा और यहाँ पर नहीं। जितने भी हैं जो भी आपने रखे थे आदमी, वो उतने काम में दक्ष काम में नहीं थे। आप लक्ष्य नहीं था, उनका कोई वो नहीं था, मतलब रुझान नहीं था काम का, अच्छा, इसलिए आपको उनका काम पसंद नहीं आया, इसलिए आपने पसंद खुदा नहीं के लिए आया। कर रहे हैं। हाँ हाँ इसी में हाँ, ये तो खुदा है, अगर इससे मालिक भी जो है खुश नहीं रहेगा के और अपना हाथ भी ख़राब हो जाएगा। चाहे काम धीरे हो, लेकिन ये होगा कि काम अपने साफ हाथों से हो। काम होगा, साफ़ काम होगा, तो सामने वाला भी कहेगा कि भैया काम बहुत सही बढ़िया है। हुआ है। देखिए कितनी सफाई से, कितने हल्के हल्के हाथों से पेंट कर रहे हैं ताकि निशान ना पड़े कहीं पे भी ख़राब। अच्छा, जो ये काले पेंट के जो छींटे आ गए हैं हाँ ये पिलरों पे, दोबारा इन पे दोबारा रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये इस पे तो फाइनल पेंट हो चुका है ग्रिल पे ना, ग्रिल पे फाइनल पेंट हो चुका है, जो हल्का सा अब ये जो जरा सूख जाएगा जैसे वहाँ पर दिख रहा है, अभी इसमें थोड़ा एक कोट हल्का हल्का फिर मारूंगा तो आ जाएगा। सही है क्यों? एकदम ओके आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, जो हल्के से छींटे मिटे, जो हल्के से बारिश से हल्के जो छींटे पड़ गए हैं, ये ये छींटे भी ब्रूस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था ना, तो इसमें थोड़ा एकदम ठीक नया नहीं है, पुराना ब्रूस है, पहले छींटे मार ही रहा था, तो हमने कहा दोबारा रिपेयर मार दूंगा। अच्छा, वैसे इसमें अगर हो गया है तो मेरे ख्याल से अगर दोबारा कोट भी ना हो तो अभी नहीं चल नहीं जाएगा, होगा क्योंकि तब भी चल जाएगा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं क्योंकि है, ऐसा क्योंकि है सूखा है, कोई देख नहीं पाएगा इतना। नहीं, वैसे भी और और जैसे भी अभी इस सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, हाँ शाम को वही बरसात ना। भी जाएगी तो एक कोट कल कल पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ रहेगी। हाँ हाँ, वही अभी जितना है उतना मेरे उतना ख्याल ही से उसको करेंगे। फिर कल ही करिएगा इसमें। अभी तो इसके बाद करना तो बेकार है। क्योंकि जितने शाम उतरेगा सूखने में समय लगेगा ना इसको, दूसरा कोट में, तो इसमें थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा, कहीं बरसात ना हो जाए तो खाली पेंट खराब हो जाएगा। देखिएगा इस छत के ऊपर का नज़ारा कितना शानदार लगता है। जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको तो शायद मेरी जगह भी याद होगी होगी कि हाँ भैया, ये वही नज़ारा है इनके घरों का करके। ओ, ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है आपको, पहाड़ सा यहाँ पर ये जो है स्टोन क्रेशर है यहाँ पे। आसमान में बादल देखिए, बहुत लाजवाब। ये ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इस तरीके से वीडियो बन रही है हमारी, बच्चे भी देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं करके झांक के। शायद ये कुछ सोच रहे होंगे मनी उनमें, कैसे वीडियो बना रहे हैं करके। देखिए गाइस, ये हमारे पंकज भाई साहब का ये चैनल है पीके पेंटर, तो उस चैनल को भी आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उनको। तो उन्होंने बहुत जल्दी सब्सक्राइबर कम है, लेकिन उनका जो वॉच टाइम है काफ़ी अच्छा हो चुका है, और जो उनके वीडियो हैं काफ़ी वायरल भी हो चुके हैं। एक आध वीडियो में सब्सक्राइब से कम 10 गुना ज़्यादा उनका
व्यू आए हैं वीडियो में, कुछ वीडियो में, तो इस तरीके से आप सपोर्ट दिखाएं उन्हें, अपना प्यार दें, ताकि वो भी अपना वीडियो अच्छा बना सकें और अपना काम को भी बहुत जो कर रहे हैं उनमें उनका और ज़्यादा मन लगे, कि उनका काम भी उतना फैले, जितनी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा काम रहेगा। चलिए गाइस, अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 5 मिनट का ब्लॉग हो चुका है हमारा, अपने गांव का नज़ारा दिखाते हुए, और आसमान का हल्का सा थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं आपको। तो देखो आसमान में इस तरह के बादल छाए हुए हैं, ये अल्ट्रा वाइड एंगल में शिफ्ट करके देखें हम, तो ये देखिए सूर्य देवता भी दिख रहे हैं, बादल भी हैं आसमान में। और नैनीताल की तरफ को अगर देखें, यहाँ दुख नैनीताल की तरफ को भी बादल हैं, शायद बरसात अभी नहीं हो रही होगी शायद वहाँ को। और जो सामने हमारे वाले पहाड़ हैं, इस पहाड़ों में भी बरसात अभी नहीं है, बादल छाए हुए हैं। बादल बरसात होने के बाद जो बादल बैठ जाता है पहाड़ों में, वैसा सीन हुआ है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ओके गाइस, बाय।